का नाम बहुत सुंदर और वर्तमान संदर्भों में सर्वथा सार्थक लगा है। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की आरंभ से ही पूजा की जाती रही है। व्यक्तिगत मैं यह मानता हूं कि अवसर मिले तो नारी पुरुष से अधिक अपने को साबित कर दिखाती है। कि जब महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं और संस्कारित महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं भारतीय परंपरा के को लेकर, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को लेकर और भारतीय कला को लेकर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनको पीछे छोड़ दे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा लघु उद्योग भारतीय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने समाज में उद्यमिता के विकास के लिए प्रभावी वातावरण बनाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करके स्थानीय क्षेत्र से जुड़े हस्तशिल्प उत्पादों के अधिकाधिक विपणन की कारगर नीति पर सभी स्तरों पर कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने महिला शक्ति की चर्चा करते हुए कहा कि बहुत से स्तरों पर वे पुरुष से अधिक सशक्त होती हैं और उनमें हुनर भी अधिक होता है। साथ ही उन्होंने कहा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस अवसर पर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प के महत्व को रेखांकित करते हुए इस तरह के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सांसद जस कौर मीणा ने कहा कि महिलाएं आज शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य एवं खेल सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कला कौशल और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी उनमें नैसर्गिक प्रतिभा होती है जिसे उचित मंच उपलब्ध करवाए जाने की जरूरत है। इस अवसर पर कलराज मिश्र राज्यपाल द्वारा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2021 जवाहर कला केंद्र परिसर में महिला उद्यमियों द्वारा लगाए गए लगभग 170 स्टालों का अवलोकन किया तथा उनके हस्तशिल्प उत्पादों को सराहा भी। इस अवसर पर लघु उद्योग भारतीय राजस्थान के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल, संस्था की जयपुर महिला इकाई की अध्यक्ष सुनीता शर्मा, प्रख्यात हस्तशिल्प कर्मी रूमा देवी, सिमता घाईसास सहित सैकड़ों की संख्या में महिला उद्यमी इस प्रदर्शनी में पहुंची। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.